हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर गीता सक्सेना और आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का पार्ट 5 अक्षरों का महत्व समझाऊंगी। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है गुणाकर मुले। इस पार्ट में अक्षरों की कहानी दी गई है। बच्चों, आपको पता है यदि हमारे पास अक्षर ना होते तो आज हम इतने विकसित ना होते। हमें हमारे इतिहास का कुछ पता नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने कब किस दौर में कैसे अपना जीवन यापन किया हम नहीं जान पाते। उनके विचार, ज्ञान और अनुभव का भी हमें लाभ नहीं मिल पाता। तो इस चैप्टर में अक्षरों के महत्व की कहानी बताई गई है जो मैं आपको समझाऊंगी। दुनिया में अब तक कितनी लाखों करोड़ पुस्तकें अक्षरों से लिखी गई हैं। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाएं अक्षरों के बिना नहीं लिखे जा सकते। यदि अक्षर ना होते तो बच्चों सोचो दुनिया कहाँ होती, इसकी कल्पना कठिन है। पुराने समय में लोग समझते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर की खोज है, परंतु ऐसा नहीं है। अक्षरों की खोज मनुष्य की ही खोज है। धरती के 5 अरब साल के जीवन में केवल 5 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई और तब से उनका विकास हुआ। करीब 10,000 साल पहले उन्होंने समूह में रहना सीखा, खेती करना सीखा और पत्थर के हथियार व औजार बनाने सीखे। पत्थरों के औजार बनाने के बाद कांसे और तांबे के भी हथियार बनाने शुरू किए। सर्वप्रथम प्रगतिहासिक मानव ने पशु पक्षी और मनुष्य के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करना सीखा। पहले ये जो मनुष्य थे अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे इन्होंने अपने भाव व्यक्त करना सीखा। चित्र संकेत से भाव संकेत बने, जैसे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य या धूप को दर्शाना। करीब 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई। इससे पहले अक्षर बच्चों नहीं थे। इसके साथ एक नया युग शुरू हुआ। विचार लिखे जाने लगे, इतिहास का आरंभ हुआ तो मनुष्य सब कहलाने लगा। किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे लेख मिलने लगे। उसके पहले का समय प्रगतिहासिक काल कहलाता है। बच्चों, यदि अक्षरों की खोज ना हुई होती तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अतः अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। इससे विचार, ज्ञान और अनुभव संकलित होने लगे, मतलब इकट्ठे होने लगे, लिखे जाने लगे और आगे आने वाली पीढ़ी के प्रगति में भी सहायक बने। इससे मानव जाति के विकास में तीव्रता आई, मनुष्य और विकास करने लगा। इसलिए अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। अतः अक्षर और उससे बनी लिपि महत्वपूर्ण हैं। हम सभी को इसके विषय में जानना चाहिए। बच्चों, तो ये थी अक्षरों के महत्व की कहानी, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पहले मनुष्य सब नहीं था। अक्षरों की खोज के बाद ही इतिहास आरंभ हुआ और इतिहास आरंभ होने के बाद विचारों को लिखे जाने लगा। लिखने के कारण ही हमारा जो इतिहास है वो आरंभ हुआ और हम देश विदेश और जातियों की जानकारी प्राप्त करने लगे। तो बच्चों, ये थी आपकी अक्षरों के महत्व की कहानी, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।